नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। टेंडर घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री आलमगीर आलम का आज छठा दिन का जो रिमांड था वो खत्म हो गया है। आज फिर से ईडी के अधिकारियों ने मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। पीएमएलए कोर्ट में फिर से अवधि बढ़ाने की मांग की गई। ईडी के जो वकील हैं उन्होंने 7 दिनों की और रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आलमगीर आलम के वकील ने इनका विरोध किया और विरोध करने के दौरान पीएमएलए कोर्ट से केवल 5 दिनों की रिमांड अवधि और बढ़ा दी गई है। तो अब मंत्री आलमगीर आलम फिर से ईडी के अधिकारियों का सवाल का जवाब इसी ईडी दफ्तर में देंगे और यहां मंत्री के घर से जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों को एक डायरी भी हाथ लगी है। उस डायरी में सारे लेन देन का लेखा जोखा उसमें अंकित किया गया है, उसमें लिखा गया है कि किसको कितने पैसे दिए गए हैं। किसी को 1.25 करोड़ तो किसी को 50 लाख तो किसी को 6 करोड़, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नाम, उसमें खासकर एक मनीष नाम सामने आ रहा है और एक एम कोड करके नाम सामने आ रहा है जिसको अभी खंगालना ईडी के अधिकारियों के हाथ में है। ईडी के अधिकारी इसमें पूरी तरह से जाँच में जुट गए हैं और जो भी उसमें डायरी में उसमें कोड लिखा हुआ है उस कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोड को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से अधिकारी और इसमें शामिल है। ये देखिए मंत्री आलमगीर आलम अभी पहुंच चुके हैं, ये ईडी के कार्यालय अभी घुस चुके हैं। ये मंत्री आलमगीर आलम को ईडी के अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच अभी इसी ईडी दफ्तर में लाया है और अब आज से लेकर 5 दिन तक और ये रिमांड पे रहेंगे और रिमांड की अवधि अब 5 दिनों की है। अब देखना है कि ईडी के अधिकारी मंत्री आलमगीर आलम से और क्या कुछ निकलवा पाते हैं और कौन लोग इसके शिकंजे में और फंसते नजर आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।